नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मध्य प्रदेश में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया, जहां एक ही मंडप में एक ही दूल्हे से दो दो लड़कियों ने एक साथ शादी की, वो भी अपनी मर्जी से। एक थी दूल्हे की गर्लफ्रेंड, जबकि दूसरी लड़की माँ और पिता ने बेटे के लिए ढूंढी थी। दरअसल ये मामला है बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के केरिया गाँव का, जहाँ संदीप उइके नाम के युवक ने 8 जुलाई को जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गांव में ये अनोखी शादी की। जानकारी के मुताबिक केरिया गांव के रहने वाले संदीप की शादी जिन दो लड़कियों से हुई, उसमें एक होशंगाबाद जिले और दूसरी कोयलारी गांव की रहने वाली। होशंगाबाद की रहने वाली लड़की से उसे तब प्यार हुआ जब वो वहीं रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि कोयलारी गाँव की लड़की को लड़के के माता पिता ने पसंद किया था। लड़का एक लड़की दो, ये तो बहुत नाइंसाफी थी, इसीलिए मामला बढ़ा तो पंचायत तक पहुंच गया। लड़के और दोनों लड़कियों के परिवार वालों को बुलाया गया, जहां बातचीत के बाद पंचायत के सामने तीनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। दोनों लड़कियां भी संदीप उइके के साथ रहने को तैयार हो गई। जिला पंचायत घोड़ा डोंगरी के उपाध्यक्ष और शादी के साक्षी मिश्री लाल परते ने कहा कि तीनों परिवारों को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने खुद ही शादी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। बिना किसी आपत्ति के संदीप उइके ने दोनों लड़कियों के साथ शादी की, जिससे माता पिता भी खुश हो गए, गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई और संदीप उइके तो खुश था ही। शादी समारोह केरिया गांव में आयोजित किया गया था, जहां तीनों के परिवार वालों के साथ ही गांव वाले भी शामिल थे और धूमधाम से शादी हुई। लेकिन ये शादी हुई कैसे, इस बात से जिला प्रशासन भी हैरान है, इसीलिए मामले की तफ्तीश जारी है।